टाइम तो कभी ले लेंगे। मालेगाव करणला धुड्याला येऊ नका द्या, हे मालेगाव धुड्याचे खासदार असे म्हणत होते, मग इथे येऊन कशा करते? पत्रकार परिषद मध्ये बसले मालेगाव करणसाठी भाजपचे खासदार आमची बहीण ते म्हणत होते नाशिकचे, मालेगाव करण नाशिकला येऊ नका द्या म्हणे। आणि यांच्या बरोबर कशा करतो म्हणतो, मी यांचा निषेध करतो, यांच्या बरोबर बसणार नाही। डॉक्टर डॉक्टर माणूस शपथ घेत आहे खासदार होऊन, मंत्री होते माझी, केंद्रीय मंत्री होते, का करत होते तेव्हा? त्यांनी त्यावेळी मालेगावात मोठा हॉस्पिटल उभारलं पाहिजे होता, लोकांसाठी काम करायला पाहिजे होता, असं बोलताय का? म्हणून मी यांचा निषेध करून जातो आहे खासदार, तुम देखो तुम्हारा काम। जी मॅम बोलिए। बोल बोल, निषेध कर पहिले उनका खासदार का, दुनिया मालेगाव मतदारसंघ के खासदार का निषेध, मालेगाव की जनता की और महापुर की तरफ से। दुलिया मालेगाँव मतदार संघ के खासदार का हम निषेध करते हैं, क्योंकि जिस वक्त पूरी दुनिया में ये कोरोना वायरस जैसी बीमारी, ये महामारी फैली हुई थी, उस वक्त हर कोई एक दूसरे को सहारा दे रहा था और हर कोई एक दूसरे की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाना चाहिए था। ये खासदार हुए, खासदार होते हुए भी इन्होंने हमारी कोई मदद नहीं की, बल्कि उन्होंने तो इस तरीके का सुलूक किया, इस तरीके का बेरहमाना सुलूक किया, बेरहम सुलूक किया मालेगांव शहर के आवाम के साथ, जनता के साथ, कि उन्होंने कहा कि मालेगांव शहर से कोई इधर आना नहीं चाहिए, धुलिया आना नहीं चाहिए, इस तरीके का उन्होंने हमारे साथ सुलूक किया, इसलिए वो आज यहाँ पर मालेगांव शहर में तशरीफ़ लाए। हम उनका निषेध करते हैं, इसलिए हम उनके साथ बैठ कर पत्रकार परिषद में हम हाजिर नहीं रहेंगे। आणि इतक्या मोठ्या प्रमाणावरती महानगरपालिकेने सगळीकडनं, मी प्रत्येक बारीक सारीक गोष्ट सुद्धा समजून घेण्याचा प्रयत्न केला आणि पूर्ण केलेले जे मोठे प्रयत्न आहेत ते पण इथून समजून घेतलेले आहेत, तर ह्या सर्व गोष्टीवरनं मला स्वतःला असं वाटतं की मालेगावमध्ये अतिशय बारकाईने प्रत्येक गोष्टीची छोट्या आदरणीय भाऊंनी आम्हा कार्यकर्त्यांना लगेच सूचना दिल्या, तर मालेगावमध्ये सुद्धा जास्तीत जास्त सेवा उपलब्ध झाली पाहिजे आणि मालेगाव जोपर्यंत शून्य होत नाही, मालेगावची कोरोनाची परिस्थिती जोपर्यंत शून्य होत नाही तोपर्यंत आपल्याला ही सेवा मालेगावकरांकरता सुरू ठेवायची आहे। आणि दुसरं, मी ICMR कमिटीवर आहे, फायनान्सच्या कमिटीवर आहे आणि आम्ही त्याच्या माध्यमातून मालेगावसाठी एखादं हॉस्पिटल आणता येईल का नाही याच्या प्रयत्नात आम्ही आहोत, आणि आम्ही तो प्रयत्न मी निश्चितच करेन। सर हिंदी में थोड़ा सा, उन्होंने निश्चित करके निकल गए, उन्होंने कहा कि खासदार ने कुछ किए नहीं, उलट कहा कि धुलिया में हमारे मरीज मत लाइए, ऐसा उन्होंने कहा। देखिए वो गुमराह कर रहे लोगों को, उनको पूछिए, इन्हीं का खानदान 50 साल से मालेगांव में राज कर रहे, कभी आमदार है कभी महापौर है, अब ये 50 साल में इन्होंने मालेगांव मध्य की इतनी वाट लगा दी है, वो खुद कुछ नहीं कर रहे, इस वक्त गिर गए तो लोगों में अपना एक माहौल बनाने के लिए एक सीधा रास्ता है, एक मोदी साहब को गाली दो, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के खासदार को गाली दो, वोट मिल जाएंगे उनको, उनका ही लखलाभ हो, हमें उससे कुछ लेना नहीं। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कार्यकर्ता हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिख रहा है, हमने हमारे कार्यकर्ता के माध्यम से, हमारे माध्यम से आर्सेनिक एल्बम की गोलियां 1.5 लाख कुटुंब तक हमने पहुंचाई, हमने शुरुआती के दौर में जहां मुमकिन होगा खाने का सामान भेजा, अन्य धान्य इसका वाटप किया, हर जगह पे हम काम कर रहे, आज रक्तदान शिविर कर रहे, मैंने 10 लाख कि सिविल हॉस्पिटल के एम्बुलेंस दी है, तो ऐसा हम काम कर रहे हैं, हम ज़्यादा नोटंकी करते नहीं, हम किसी को गाली देते नहीं, हमारा वैसा स्वभाव भी नहीं है, और इन लोगों का लोगों के लिए कुछ काम नहीं करना, लोगों के लिए कुछ नहीं करना, बस मोदी साहब को गाली दो, डॉक्टर सुभाष भामरे भारतीय जनता पार्टी के खासदार को गाली दो और वोट मिलाओ।
चेकअप करना, डिटेक्ट करना, आने डिटेक्ट करना।